सरकारों में जनता को लुभाने के लिए योजनाओं की घोषणाएं होती रहती हैं। ऐसे ही हरियाणा की मनोहर सरकार ने हाल ही में एक नई सरकारी योजना की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वाहन पंजीकरण कराने हेतु फैमिली आईडी को लिंक करवाना अब अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि सरकार ऐसे लोगों की आय को अब ट्रैक करना चाहती है जो अपनी फैमिली आईडी में आय को कम दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। इस घोषणा से ऐसे लोगों को झटका लगने वाला है जो अधिक आय के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। फैमिली आईडी लिंक होने से सरकार ऐसे लोगों की उन योजनाओं को रद्द कर सकेगी जिसका लाभ वो अब कम आय दिखाकर ले रहे हैं। सरकार की इस नई घोषणा के उद्देश्य के बारे में लोगों का मानना है कि सरकार इस नियम के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करना चाहती है जो सरकारी योजनाओं के पात्र हैं और इससे अधिक आय वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर सकती है। वहीं दूसरी ओर इस योजना को लेकर सरकार का उद्देश्य महंगाई पर लगाम लगाना भी है। इस नए नियम से सरकार आय की जानकारी के साथ सरकार मुद्रा फीसदी और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर भी नजर रख सकती है और इससे वाहन पंजीकरण नियमों में भी अपडेट किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि नया नियम बहुत ही आसान और सरल है, क्योंकि अब आपको वाहन पंजीकरण के लिए अपनी फैमिली आईडी की पहचान करनी होगी जो कि सत्यापन के लिए उपलब्ध होगी और सरकार को इस फैमिली आईडी से यह मदद मिल सकेगी कि आपको वाहन खरीदने के लिए कितनी आय की आवश्यकता है। इसके बाद सरकार आपकी फैमिली आईडी में ये जांच कर सकेगी कि आपने किस तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया हुआ है और जिन लोगों ने फैमिली आईडी में आय कम दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है उन्हें तुरंत रद्द किया जा सकेगा। सरकार के इस नियम के लागू होने के बाद ये फायदा होगा कि आय का एक पक्का सबूत सरकार के पास होगा। दूसरा, इससे नियम में सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके अधिकारों के अनुरूप योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इसके साथ ही जो लोग सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग करते हैं उन्हें अब योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही सरकार का ये नया नियम उन लोगों के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपनी फैमिली आईडी में कम इनकम दिखाई हुई है। अब उन्हें वाहन खरीदने से पहले अपनी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ाने के लिए कई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत से लोग फैमिली आईडी में अपनी इनकम ठीक कराने के लिए नगर निगम भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से अधिक इनकम दिखाने वाले बहुत से लोगों की पेंशन भी काट दी गई है तो कईयों का राशन भी बंद हो चुका है।